Good afternoon, children. This is Push English and I'm Renuka Singh. So in my previous two videos, I've already discussed the Browning version. In my first video, I discussed about the overview of the chapter, about the characters. In my second video, it was line-to-line explanation. And I've already explained first four pages. So now we are on page number 54, wherein the conversation between Frank and Taplow is carried on. तो फ्रैंक जो है वो बोलता है एंड आई डोंट नो एनी बॉय हु डज नॉट यूज़ दैट फॉर हिज ओन पर्पज़. और शायद कोई लड़का ऐसा करता भी होगा कि वो जो है अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करेगा, टीचर्स की को अप्रिशिएट करेगा. तो टैपलव ने कहा हाँ सर ये तो नेचुरल है, लेकिन ये क्रॉक के साथ काम नहीं करता. और वो द क्रॉक बोला. तो फ्रैंक ने कहा मिस्टर क्रॉकर हैरिस के साथ, मतलब उनको यहाँ पर द क्रॉक को उसने करेक्ट किया पहली बार. उन्हें लगा कि नहीं अब कुछ ज़्यादा हो रहा है और फ्रैंक जो है वो कुछ टैपलव जो है कुछ ज़्यादा ही फ्री हो रहा है. तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस उसने उसको करेक्ट किया. तो टैपलव ने फिर उसको अमेंड करके बोला यस मिस्टर क्रॉकर हैरिस. और अजीब बात ये है सर, द फनी थिंग इज़ दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, इन सारी चीज़ों के बावजूद आई वुड रादर लाइक हिम, यानी इतनी नेगेटिव क्वालिटीज़ होने के बावजूद भी मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ और मैं हेल्प नहीं कर सकता, मतलब दैट इज़ अ नेचुरल लाइकिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर माई सर. एंड समटाइम्स आई थिंक ही सीज इट एंड दैट सीम्स टू शिवल हिम अप इवन मोर. और कई बार मुझे ऐसा लगता है मेरा वो रिस्पेक्ट, मेरा वो प्यार वो देखते हैं और वो शिवल अप हो जाते हैं, थोड़े से एम्बेरस फील करते होंगे. तो फ्रैंक ने कहा आई एम श्योर यू आर एग्जैजरेटिंग. एग्जैजरेटिंग मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर चीज़ों को कहना, कि मुझे लग रहा है तुम बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हो. तो टैपलव कहता है नहीं सर मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ. उस दिन क्लास में क्या हुआ, उन्होंने एक क्लासिकल जोक मारा पढ़ाते पढ़ाते, कोई हंसा नहीं बिकॉज नोबडी अंडरस्टूड इट, क्योंकि किसी की समझ में आया नहीं एंड माई सेल्फ इंक्लूडेड, मैं भी नहीं. लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर उन्होंने कोई फ़नी जोक मारा है तो ज़रूर हंसना चाहिए. तो एक कॉमन पोलाइटनेस के तहत मैं मुझे उनके लिए बुरा लग रहा था कि नोबडी हैज़ अंडरस्टूड हिज पुअर जोक. और पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं हंस पड़ा. तो देन आई लाफ्ड, तो फ्रैंक भी हंसने लगा. तो टैपलव ने कहा तो सर ने मुझे एक थ्रोटी वॉइस में उनकी फिर नकल करने लगा. उसने कहा टैपलव यू लाव्ड एट माई लिटिल जोक आई नोटिस, मैंने अभी भी नोटिस किया कि तुम मेरे जोक पर हंसे हो. तो मुझे कन्फेस करना पड़ेगा और मैं इनफैक्ट खुश भी हूँ जिस तरीके से तुम्हारी लैटिन सुधर रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पूरी क्लास ने रिस्पॉन्ड नहीं किया और तुम हंसे, इसका मतलब तुम्हें समझ में आया. तो एक काम करो बेटा, अब ये पूरी क्लास को जो है तुम समझा दो, क्योंकि हमें अपने प्लेजर्स जो है वो शेयर करने चाहिए. अब ये वक्त ऐसा था जब जो है टैपलव बता रहा था फ्रैंक को इस तरीके से, तब तक दरवाज़ा खुला राइट हैंड साइड से एंड देयर वाज मिली क्रॉकर हैरिस, यानी कि वाइफ ऑफ क्रॉकर हैरिस, शी एंटर्ड. अब इनको यहाँ डिस्क्राइब किया है इन लाइन्स में, इसलिए जब भी पेन पोर्ट्रेट आएगा आपको ये ध्यान रखना है कि वो क्या क्या आपको बताना है. कि शी इज़ अ थिन वुमेन इन हर लेट थर्टीज़, बहुत स्मार्टली ड्रेस्ड हैं बाकी स्कूल मास्टर्स की वाइफ्स के मुकाबले, शी इज़ वेयरिंग अ केप एंड शी इज़ कैरिंग अ शॉपिंग बास्केट. तो उनके हाथ में एक बास्केट है, केप पहना उन्होंने, स्मार्टली ड्रेस्ड हैं, पतली सी लेडी हैं, लेट थर्टीज़ में हैं. दरवाज़ा बंद करती हैं और स्क्रीन के पास वो देखती हैं टैपलव और फ्रैंक बात कर रहे हैं. कुछ सेकेंड्स तो वो उनको देखती रहती है जब तक वो नोटिस नहीं कर लेते. फ्रैंक जैसे ही उनको नोटिस करता है कहता है कम अलॉन्ग टैपलव और धीरे से डेस्क के पास कहता है डू नॉट बी सो सेल्फिश हैज़ टू कीप अ गुड जोक टू योर सेल्फ, टेल दी अदर्स. और इतने सेल्फिश मत बनो, चलो वो जोक्स बताओ. तब तक वो सडनली देखता है ही नोटिसेस मिली ओ लॉर्ड और उसके मुंह से निकल जाता है ओ लॉर्ड. तो फ्रैंक तुरंत टर्न करता है और काफ़ी रिलीव्ड रहता है जब वो देखता है मिली को, क्योंकि अब उसे लगता है कि ही डजंट नीड टू टॉक टू टैपलव एनी मोर नाउ, मिली क्रॉकर हैरिस आ गई, अब उनकी जिम्मेदारी है. तो फ्रैंक उनको देखते कहता है ओ हेलो. मिली बिना किसी एक्सप्रेशन के हेलो तो करती है. साइड बोर्ड पर वो अपना बास्केट रखती हैं. टैपलव जो है फ्रैंक के लेफ्ट हैंड साइड जा कर के खड़ा हो जाता है और धीरे से पागलों की तरह फ्रेंटिकली बोलता है सर आपको लगता है उन्होंने सुना होगा. फ्रैंक जो है कम्फर्टेबलिंग यस में, कम्फर्ट के साथ यस में शेक कर देता है हेड. और मिली इधर अपना केप निकालती हैं, हॉल स्टैंड में हैंग करती हैं और फिर बोलता है धीरे से हाँ मुझे लगता है उन्होंने सुन लिया होगा, क्योंकि वो काफ़ी देर से वहाँ खड़ी थी लग रहा है. तो टैपलव ने कहा सर अगर उन्होंने सुन लिया होगा तो, और अगर उन्होंने क्रॉकर सर को बता दिया तो क्या होगा, मेरा तो रिज़ल्ट गया, मेरा तो रिज़ल्ट ख़राब हो जाएगा. तो फ्रैंक ने कहा नॉनसेंस ये सब मत सोचो.
और वो फायरप्लेस के पास जाता है। इधर मिली तब तक साइड बोर्ड से बास्केट खोल चुकी होती हैं और वो टेबल पे रख कर बास्केट टेबल पे रख देती हैं। तो मिली टैपलोव को कहती है कि मेरे हस्बैंड के लिए वेट कर रहे हो, तो टैपलोव कहता है यस। और उसके बाद से वो कहती हैं, मिली कहती हैं, अरे वो तो बर्जर शॉप पे है, ही इज़ एट अ बर्जर शॉप, तो उनको थोड़ा लेट लग जाएगा मुझे लग रहा है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो जा चुकी होती। तो टैपलोव डाउटफुली देखने लगता है, जगह नहीं सर मैम, उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा और मुझे आना है, उनसे मिलना है। तो मिली ने कहा, वेल वाई डोंट यू रन अवे फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, एक काम करो तुम 10-15 मिनट के लिए थोड़ा घूम के आ जाओ, वापस आ जाना। और ऐसा करके वो अनपैक करने लगती है, जो भी सामान वो शॉप से लाई है, मार्केट से लाई है, वो अनपैक करके बास्केट टेबल पे रखती जाती है। तो टैपलोव कहता है, और अगर वो मुझसे पहले आ गए तो? मिली ने स्माइल करके कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारा ब्लेम मैं ले लूँगी कि मैंने तुमको भेजा है। और वो बास्केट में से एक प्रिस्क्रिप्शन निकालती हैं और कहती हैं कि मैं कह दूंगी कि तुम मेरा जॉब मेरा काम करने गए हो, ये प्रिस्क्रिप्शन ले जाओ केमिस्ट शॉप पर और इसको इसमें जो दवाइयां हैं वो लेते आना। तो टैपलॉव भी बहुत खुश हो गया क्योंकि उसे घूमने का मौका मिल जाएगा। उसने कहा, ऑल राइट मिसेस क्रॉकर हैरिस, और वहाँ राइट हैंड साइड से वापस जिस दरवाजे से मिली आई थी उस दरवाजे से चला जाता है। तो ये था बच्चों चैप्टर का एंड, जहाँ पर आप देख रहे होंगे देर इज़ नो स्टेज अपेयरेंस और सीन अपेयरेंस ऑफ द मेन कैरेक्टर मिस्टर क्रॉकर हैरिस, बट उसके बावजूद द होल स्टोरी, पूरी स्टोरी जो है उनके इर्द गिर्द घूम रही है। तो ही इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले। सो प्लीज़ रीड इट वंस अगेन, इफ़ एट ऑल एनी डाउट इज़ देयर, ड्रॉप योर डाउट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन क्लैरिफाई इट। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। Yeah.